प्रार्थना उस टाइम करते हैं। दानियल ने कोई प्रार्थना नहीं किया, मैं कह रहा हूं एक सेकंड की प्रार्थना किया होगा उसने। हालेलुया। दानियल जब शेर की मांद में गिराया गया तो उसकी लंबी चौड़ी प्रार्थना नहीं थी, उसकी लंबी चौड़ी प्रार्थना, उसकी घंटों घंटों की प्रार्थना, उसकी तीन टाइम की प्रार्थना वो पहले की थी। हालेलुया। इसका मतलब समझे कि प्रार्थना करने के बाद कह रहा है जब वो मुसीबत में गिरा तो उसी समय परमेश्वर उसको बचाने के लिए आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि वो पहले से प्रार्थना करने वाला योद्धा था। हालेलुया। हालेलुया। वो अपने समय के लिए पहले से प्रार्थना कर रहा था। बहुत सारे लोग, अगर आप तुम पहले से प्रार्थना करने वाले योद्धा हो, अगर कोई मुसीबत आपके सामने आई, याद रखना मैं कह रहा हूं मुसीबत से पहले परमेश्वर आपके सामने कर एंजल को भेज कर आपको निकालने के लिए खड़ा होगा। आमीन। आमीन बोलने वालों को बाहर निकालेगा। हालेलुया बोलने वालों को बाहर निकालेगा। अगर आपको तैयारी करनी है, तैयारी का साल है चर्च, ये 2024 तैयारी का साल है, याद रखना आने वाला तैयारी का साल है, क्योंकि उसमें ठा बूम ठुम बिल्डिंग वो कह रही आमीन। लोगों के घर पे बम गिरा रही है, मैं तो लोगों के घर पे बम गिरा रहा हूं, तू ऊपर से आमीन बोल रही है। सुनना है, अपने पड़ोसी को बोलो पैर नहीं घुटनों पर आ जा, पैरों पर नहीं घुटनों पर आना। सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। समझ गए कि नहीं? yes. चर्च में पैरों पर नहीं घुटनों पर आना, बोलो हालेलुया। चर्च के गेट तक पैरों पर आना, आगे करे घुटनों पर आना। अपने घर पर जाकर आज यहाँ पर पैरों पर आए हो, लेकिन घर पर जाकर आपको पैरों पर नहीं घुटनों पर बैठना है। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप झुके, मैं कह रहा हूँ हर मुसीबत आपके सामने झुकेगी। आमीन। कर्जा झुकेगा, बीमारियां झुकेंगी, समस्याएं झुकेंगी। आमीन। आपने जो सपने सजोए अपने दिमाग में, अपने फ्रेम में, आप उसे पूरा होते देखेंगे। आमीन। आपको बिलीव करना है, आज से फैसला लेना है। मैं प्रार्थना के लेवल पे चाहता हूँ कि मेरी कलीसिया प्रार्थना करने वाली हो। अगर आज से आप प्रार्थना खुद करने लगे, आज के बाद कोई माई का लाल आपका मुकाबला नहीं कर सकता, याद रखना। मैं कह रहा हूँ जी, मैंने क्या कहा था, हंसकर कोई आपका मुकाबला नहीं कर पाएगा। आमीन। याद रखना परमेश्वर ऐसा करने के लिए जा रहा है, आपको आशीष देने के लिए जा रहा है, आपकी जिंदगियों में वो चमत्कार होने के लिए जा रहा है। आमीन। ध्यान से सुनते हैं, देखो करा पुराने नियम के अंदर, जब ये बाइबल पुराने नियम में खत्म हो जाती है, उसके बाद एक पन्ना बचता है, आधा पन्ना बचता है मलाकी की पुस्तक के बाद, उसके बाद एक नया नियम निकलता है। सब देखो लास्ट पुस्तक में पुराने नियम के बाद करा नया नियम आता है, उसका मतलब कि आधा पेज जो खाली है, खाली उसमें क्या होता है, उसमें ये देखो, दिखाओ एक पेज खाली, देखो देख रहे हो, कितने लोग देख रहे हैं बाइबल में, कुछ नहीं लिखा आगे, हाँ अगले चला गए, चला गए, साड़ी बाइबल से कुछ नहीं लिखा, एक पेज खाली है, आगे लिखा नया नियम। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। पता क्या है ये, परमेश्वर ने इंसानों से 400 साल बात करना बंद कर दिया। कितने साल? बाइबल बताती है 400 साल पुराने नियम के बाद 400 साल बात करना बंद कर दिया, और उसके बाद कह रहा कि बहुत सारे लोग परमेश्वर की इंतजार कर रहे थे, इंसानों से ड्रीम में भी बात करना बंद कर दिया, दर्शन देना भी बंद कर दिया, क्योंकि वो अलग अलग पापों में उतर आए थे, इसलिए परमेश्वर ने उनसे बात करना बंद कर दिया। फिर एक नया नियम लिखा गया, पढ़ते लूका की किताब 1:13 में चलते हैं, कह रहे जकरिया और इलीशिबा नाम का एक कपल, एक जोड़ा जो मंदिर में सेवा करता था, और उसके साथ क्या हुआ, कह रहे कि जब उनको पता लगा 2-3 साल हो गए, तो उसी समय उनको बच्चा नहीं हुआ, तो उन्होंने घुटनों पर आ गए और दे प्रार्थना, दे प्रार्थना, दे प्रार्थना, दे प्रार्थना पर प्रार्थना, प्रार्थना पर प्रार्थना, प्रार्थना पर प्रार्थना करने लगे, और उसी समय हैरान हो गए कि इतनी प्रार्थना। लेकिन आप सुन रहे हैं कि उसकी प्रार्थना का उत्तर कब मिला, जब शादी हुई 3 साल में नहीं मिला, 4 साल में नहीं मिला, यहां पर लिखा कह रहा है कि बूढ़े हो गए, तब उनके पास एक स्वर्गदूत आया, और स्वर्गदूत ने आकर कहा, कह रहा है जकरिया तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। हालेलुया। लेकिन इतने साल के बाद क्यों, कह रहा है कि ये, कह रहा है इस कपल ने मजबूर कर दिया परमेश्वर को बात करने के लिए, ड्रीम देने के लिए, इनकी प्रार्थनाओं ने मजबूर कर दिया परमेश्वर को, इनकी प्रार्थनाओं ने, कह रहा है इस बुजुर्ग की प्रार्थनाओं ने, कह रहा है कि इसने जवानी से लेकर बुढ़ापे तक दुआएं की, अरे तू नहीं देगा, तू बात नहीं करेगा, ड्रीम नहीं देगा,
करा सपना नहीं दिखाएगा, दर्शन नहीं देगा। चार साल से जो रूखा था परमेश्वर, रूठा हुआ था, जो सूखी हुई थी आशीष सबकी, जो सूख गया था सपना लोगों का परमेश्वर से बात करने का, इस कपल ने इतनी प्रार्थनाएं की और करे कि वो सूखा हटा दिया, परमेश्वर बात करने लगा। आमीन। पहले एंजल आया, उसने कहा सुन, करे कि मेरे पीछे, करे कि तेरे घर में एक नबी आएगा, उसका नाम यूहन्ना होगा, और करे उसके पीछे खुद पूरी दुनिया को रचने वाला आएगा। हालेलुया, हालेलुया। करे तेरी प्रार्थना के कारण हुआ ये, सुन रहे कि नहीं? करे इसका मतलब इसने इतिहास बदल दिया, इसकी प्रार्थनाओं ने इतिहास बदल दिया। आज याद रखना, मैं कह रहा हूं उन लोगों के लिए जो प्रार्थना कर रहे हैं, हो सकता है करा कि आज आपका इतिहास बदलना जा रहा हो, लेकिन आपकी छोटी सी प्रार्थना से इतिहास बदला जाएगा। लेकिन अगर आज हो सकता है परिस्थितियां चेंज नहीं हो रही हो, आप बार बार कह रहे हो परमेश्वर अब तक कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, इस कपल से सीखो, जकरिया और एलीशिबा से सीखो कि इन्होंने एक दिन नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, इसने बुढ़ापे में भी प्रार्थना करना बंद नहीं किया। और स्वर्गदूत आया और उसने कहा करा कि जा, करा तुझे बच्चा होगा और वो नबी होगा और वो मेरे बाद आएगा, इसी उसका, उसके बाद करा पूरी दुनिया को रचने वाला खुद आएगा। आमीन। उसका नाम यीशु होगा। आमीन। जो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार कराएगा, छुटकारा कराएगा। किसने हटा दिया वो सूखा, किसने हटा दिया वो डिफरेंस? मैं कह रहा हूं किसने हटा दिया? उसकी प्रार्थना ने हटा दिया। याद रखना, आपकी प्रार्थना में अगर दम है, मैं कह रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा वो कर्जे का, जो धन का सूखा आपके घर में पड़ा है, कह रहा चंगाई का सूखा जो पड़ा है, बिजनेस नहीं खुल रहा, फैक्ट्री नहीं खुल रही, मैं कह रहा हूं वो सूखा हट जाएगा आज। आमीन। आमीन बोलने वालों के लिए। आमीन। सूखा हटाना है कि नहीं चर्च? यस। ये भविष्यवाणी है, 52 डेज में आप बड़े से बड़ी गवाही सुनोगे चर्च। आमीन। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर मैं फैसला लेता हूं आज, कि मैं इसी समय परमेश्वर फैसला ले रहा हूं आज, मैं डेली तेरे सामने प्रार्थना करके घुटने टेकूंगा और विश्वास करता हूं तो मेरी जिंदगी में काम करे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। लूका की किताब 18 के 1 में लिखा, जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मैं कह रहा था परमेश्वर ये आम सा वचन है, लेकिन परमेश्वर ने मुझे समझाया और कहा प्रार्थना करते रहना और हिम्मत ना हारना। यस। सुन रहे मेरी बात? इसका मतलब ये था कि प्रार्थना करना और हिम्मत ना हारना, इसका मतलब कह रहा है आस ना छोड़ देना कि परमेश्वर मेरे बच्चे की पीआर नहीं लेकर आएगा, आस ना छोड़ देना मेरे बेटी को हीलिंग नहीं मिलेगी, मेरे बेटे को हीलिंग नहीं मिलेगी, मैं चंगा नहीं होऊंगा, आस ना छोड़ देना। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। मैं एक पास्टर को जानता हूं फौरन में और उसके बारे में बता रहा हूं, अगर मैं उसका नाम भी लूं तो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। उस पास्टर की मम्मी को कैंसर हो गया यूएसए में, और जब उसको कैंसर हुआ, वो एक फॉरनर है, उसको जब कैंसर हुआ तो उसने अपने शीशे में देखा अपना मुंह, उसकी माँ ने, तो उसी समय उसकी माँ बार बार देख कर निराश होगी, और उसी समय उसने अपने माइंड में एक फ्रेम बन गया उसके माइंड में कि मैं ठीक नहीं हो सकती और मैं मर जाऊंगी थोड़े दिन में, कैंसर है। वो बार बार अपनी शक्ल देखती, उसका वजन सूखता रहता, तो बार बार अपने गालों को देखती, दबा दबा के पिचक रहे हैं, आंखें ढीले अंदर जा रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही है, बार बार निराश हो रही, बार बार, और पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया। थोड़ी देर में उसका लड़का पास्टर जब घर पे आया तो उसने देखा क्या हो रहा है, उसने क्या किया, जो उसकी अच्छी अच्छी फोटो में थी, 18 साल वाली, फिर 22 साल वाली, 40 साल वाली, अच्छी अच्छी फोटो में, उसने अच्छी अच्छी फोटो में सारे कमरे में चिपका दी, सारे बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, सारी जगह ऊपर नीचे, हॉल में, छत में भी। उसके लड़के ने कहा मैंने लाखों रुपया खर्च करके ये इतना सुंदर आलीशाल घर बनाया और माँ तूने इस पेंटिंग का कबाड़ा कर दिया, ये क्या किया तूने, सारे घर में फोटो में अच्छी अच्छी फोटो में लगा दी। कहती कि मैं जब भी शीशा देखती हूँ, कहती मेरे माइंड में एक फ्रेम बन जाता है कि मैं मरने वाली हूँ, अब कुछ नहीं हो सकता। तो उस औरत ने क्या किया, कहती जब मैं इन फोटोओं को देखती हूँ तो मेरे माइंड में मैं एक नया पिक्चर बना रही हूँ, माइंड में एक नया फ्रेम बना रही हूँ कि मैं जवान हूँ, जवान ही रहूंगी, मैं चंगी हूँ, मैं चंगी रहूंगी। बोलो हालेलुया, हालेलुया। और मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ रहूंगी। और थोड़े दिन के बाद क्या हुआ कि उसके लड़के ने, उसने प्रार्थनाएं की। मैं कह रहा हूँ बहुत प्रार्थनाएं करते हैं आप, लेकिन बहुत बार प्रार्थना करने के अंदर ही आपके माइंड में ये चल रहा होता है कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला।
हालेलुया 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 अग्गे नहीं मैनू आंदी। कई लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर लेट हो रहे हैं, ओके माफ करना, दूर से ही चर्च में आएंगे, पति डांट रहा होगा, प्रार्थना करें, सत्संग के मालिक पास्टर पहली बार आए हैं, क्षमा करना, जा रहे हैं दूर से ही धोक मार के जा रहे हैं। आपको क्या कह रहा हूं, प्रार्थनाएं अलग अलग तरीके से करते हैं लोग, लेकिन यहां पर ये कह रही कि प्रार्थनाएं परमेश्वर आप घंटों करो, 2 घंटे करो, 3 घंटे करो, 4 घंटे करो, कर्जा नहीं उतार सकता कोई माइकल लाल, यीशु आपकी तरफ देखने भी वाला नहीं है, लेकिन आपकी प्रार्थना में जब पॉजिटिव एनर्जी होगी, हालेलुया, कह रहे हैं कि आप रो रहे हैं, एक टाइम शुरुआत कर रहे हैं, आप प्रार्थना में रो सकते हैं, गिड़गिड़ा सकते हैं, लेकिन उसके बाद कह रहे हैं कि आपको परमेश्वर को बताना है कि प्रार्थना करने के बाद और शैतान को हराना है कि मुझे एक नई पावर मिल गई है, हालेलुया, समझ में आया कि नहीं। इस औरत ने घंटों घंटों प्रार्थना किया, रोई कमरे में, और उसके बाद जब बाहर निकलती तो कमरे में गई, अपनी फोटो को देखकर बोलती, मैं जवान हो गई हूं, मैं बिल्कुल चंगी हो गई हूँ, मैं ऐसी थी, देख ले बेटे, बेटे देख मैं 40 साल में ऐसी थी, अब भी ऐसी रहूंगी। उसने अपने माइंड में सेट करना शुरू कर दिया। आज हमारा माइंड में सेट है, जितनी मर्जी इनकी प्रार्थना कर दो, खड़ी होइयो, खड़ी होइयो बब्बो, भैने खड़ी, यदि मैं सिर का दर्द जाए, जा जा, इसका सिर का दर्द चला गया, इसके माइंड में अभी भी यही है, कमर का दर्द तो गया नहीं, कमर का दर्द जा जा, कमर का दर्द तो चला गया, हाथ का दर्द तो गया नहीं, आगे को आ जा, हाथ का दर्द जा जा, जैसे पटाखे चल रहे ठां ठां, सुनो अभी सुनेंगे, हाँ रात को सुनेंगे, टांगों में दर्द ठां ठां, ओ सॉरी जा जा, हालेलुया, समझ में आ रहा है कि नहीं, वो कानों में सुन रहे हैं ना रात से, इसलिए आवाजें आ रही हैं, इसको कहा जा जा ठीक हो जा, लेकिन अगली को प्रार्थना में विश्वास ही नहीं है, इसके फ्रेम यही लगा हुआ कि ना ना पादरी जब स्टेज पे बुलाता है तब चंगे होते हैं, या फिर कोई स्पेशल रूम है उसमें जाके चंगे होते हैं, इसके फ्रेम लग रहा दिमाग में कि ऑयल लगेगा तब चंगे होंगे, पादरी अपने पास बैठाएगा, उसके कोट को छूंगी तब चंगा होएगा, मैं कह रहा हूँ यहीं से कह दे यार चंगा हो जाएगा, आमीन, सारे ऐसे करो, अपने पड़ोसी को बोलो फ्रेम बदल ले अपना, अपना माइंड सेट कर आज, अपने माइंड का फ्रेम सेट कर आज, बोलो अपने माइंड का फ्रेम सेट कर आज, सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया, सुन रहे हैं कि नहीं। अभी एक अंकल आंटी बैठ कर मुझे फ्लाइंग किस दे रहे हैं, उन्होंने अपना माइंड सेट कर लिया, सही कह रहा है, कहता लव यू, सारे बोलो हालेलुया, आपको क्या बोल रहा हूँ, अपने माइंड को सेट करना मेरे फ्रेम को है, मैं कह रहा हूँ तुझे बच्चा हो जाएगा, पापा केड़े में नहीं होएगा, जा तू मां बनने वाली है, पापा मेरे पति ते शुक्राणु नहीं हैगे, मैंने कहा जा तू मां बनेगी, मेरा पति मेरे नाल लड़ता बहुत है, जा तू मां बनेगी, पापा वो तो विदेश रहता कितना बनेगी, हालेलुया, ऐसी प्रार्थनाएं भी फेल हो जाती हैं भाई साहब कई बार, बह जा, सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये मेरी भविष्यवाणी कोई झूठी कर रही है, एक औरत को मैंने कहा ले तू मां बन रही है, अगले साल तेरे को आशीष मिलेगी, करीब वो 4 साल के लिए अमेरिका गया है, मैंने कहा अच्छा और क्या हुआ, 6 महीने के अंदर वो अमेरिका पहुंच गई और वहां से फोन कर रही है, हेलो पादरी को कह देना, हालेलुया, क्या कह देना, हरियाणा की है ना भाई साहब, पंजाब नहीं घूंघट करती, हरियाणा की है, दस दियो मां बन गई मैं, दस दियो नू, लेकिन आपको समझ में आ रहा है, कह रहे प्रार्थना में जब आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी होगी, उस औरत ने यही किया, उसने कहा सुबेदार ने यही कहा, भविष्यता नबी यीशु मसीह तूने कह दिया, मैंने मान लिया, तू यहीं से कह दे, मैंने माइंड में फिट कर लिया आज कि मैंने अपना फ्रेम सेट कर लिया आज, आमीन, अपने पड़ोसी को बोला अपना फ्रेम सेट कर लिया आज, अच्छी बात के लिए दूसरी बात के लिए नहीं,
सारे बोलो हालेलुया। आपने क्या माइंड में सेट कर रखा है मुझे नहीं पता, लेकिन आज आपको माइंड में ये सेट करना है, मुझे कैंसर नहीं है, मुझे शुगर नहीं है, पथरी नहीं है, रसोली नहीं है, यूरिक एसिड नहीं है, थायराइड नहीं है। लेकिन एक आदमी आता बोलता है तेरा दिमाग खराब है, देख रिपोर्ट बोल रही रिपोर्ट। अच्छा फिर माइंड में वहीं सेट कर लेते हैं दोबारा से। उस औरत ने अपने आप को माइंड में सेट कर लिया, फ्रेम में सेट कर लिया कि मैं चंगी हूँ। हालेलुया, समझ रहे हैं मेरी बात। लहू बहने का रोग था, एक स्त्री आदमियों के बीच में से लेट लेट के जा रही है, कैसे कैसे जा रही है, शर्म नहीं आ रही उसको, और उसके ऊपर आदमी पैर रखते जा रहे हैं, उसके हाथ भी छिल गए, पैर भी छिल गए। उसको लहू बहने का रोग था, और क्या हुआ, और उसी समय भीड़ में उसने अपने माइंड में फ्रेम सेट कर लिया था, मैं उसके कपड़े को छूंगी, पहले से सेट करके गई थी, पहले से सेट करके गई थी, कब से गई थी। और आप कब आए हैं यहां पे बैठ के सेट करना पड़ता है तुम्हारा दिमाग, यहां पे बैठा के सेट करना पड़ता है। वो पहले से सेट करके गई थी, अन्य जाती थी वो, उसको लोगों ने किसी ने सुसमाचार सुनाया होगा, मैं तो यही कहूंगा। और क्या हो रहा, और गई, और जाने के बाद पहले से सेट करके गई, आगा इतनी भीड़, उसने सेट कर लिया पहले से। यहां पे कुछ और ही सेटिंग चल रही होती है, लेकिन यहां पे सेट कर लिया पहले से। मैंने यहां पर चल रही होती सेटिंग चल रही होती, मैं किससे 5,000 रुपए मांगू आज उधारे, सुन रहे हो कि नहीं, कौन मेरे को लिफ्ट देगा अमृतसर से छोड़ने वास्ते। यहां पर पहले सेटिंग कर ली उसने, दूर से ही उसने कहा कि मैं अपने माइंड में सेट कर, लोगों ने कहा रहे कहां जा रही है, इतनी भीड़ है, दिखता नहीं क्या, हमारे जाके जाएगी, चल पीछे। उसने कहा माइंड सेट कर लेती हूँ, कैसे जाना है, ऐसे नहीं जाना, ऐसे ही जाना है, झुक के जाना, आज लेट के जाना, आज कुछ भी हो जाना है, पर आज आमीन। गई वो, लोग उसके ऊपर चल रहे थे, वो रो रही थी, और इसी समय माइंड सेट था उसका पहले से। और यीशु मसीह ने कहा किसी औरत ने मुझे छुआ है, मेरे अंदर से सामर्थ्य निकली है, और वो चंगी हो गई है, क्योंकि वो लेट लेट कर ही वापस जा रही थी, बिना बताए गवाही दिए जा रही थी। और इसी समय यीशु मसीह ने कहा, हेलो कोई है जिसको छू लिया है सामर्थ्य ने, चंगी हो गई है वो। एक बात बताओ, वो कहीं बाथरूम में नहीं जाकर गई चेक करने उसकी बीमारी छूट गई है, उसने कपड़ों को हाथ लगा के नहीं देखा होगा, उसने वहीं लेटे लेटे कहा यीशु, उसने माइंड में पहले से सेट कर लिया, मैं तेरे कपड़े को छूने से चंगी हो गई। वाह, विश्वास कर रहे हैं कि नहीं, अरे हाँ कि ना। आज अपना फ्रेम सेट कर लो, किसी ने आपका फ्रेम बिगाड़ दिया है, आपके माइंड का फ्रेम बिगाड़ दिया है, आपके विचारों का, माइंड का, दिमाग का, आपके स्क्रू सारे ढीले, चंदर पंजा कर दिया है, ढीले कर दिए हैं। आज फ्रेम सेट कर लो, मैं चंगा हूँ, चंगा रहूंगा, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, मेरा कैरियर बर्बाद नहीं होगा, मैं आबाद होने के लिए बुलाया गया हूँ, मैं आशीषित हूँ, मेरा बिजनेस आशीषित है। आमीन। आपका मुंडा जो जेल में है, चाहे वो गुंडा हो, बाहर आएगा। हालेलुया। किसी ने चाहे टुंडा कर दिया हो, लेकिन वो गुंडा, मुंडा, शुंडा सब बाहर आएंगे यीशु के नाम में। आमीन। अब अपने माइंड में सेट कर लो आज, अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु के नाम में। अपने पड़ोसी को बोलो अपने माइंड का फ्रेम सेट कर आज, गुस्से में बोलो गुस्से में, बोलो हाथ मिला के अपने माइंड का फ्रेम सेट कर आज। सारे बोलो हालेलुया। देखो जेनेसिस के चैप्टर में 11:4 में उत्पत्ति में क्या हुआ कि नू के टाइम के अंदर करा परमेश्वर ने नू को आशीष दिया कि जा धरती पर फल फूल फैल जा, पृथ्वी तेरी है। उसके माइंड में सेट कर दिया, फ्रेम बना दिया कि आज से तू फलेगा, बढ़ेगा, और तेरे बच्चे बढ़ेंगे, और तू पूरी दुनिया में फैल जाएगा। लेकिन उसके बच्चे जब आए तो उसके बच्चों ने क्या किया, उसके बच्चों ने आकर अपने बाप का माइंड सेट कर दिया। माँ को दर्शन आता रात को कि मेरा बेटा ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, लेकिन बेटा आता है लड़की के चक्कर में, अपने बाप को जाके बोलता है पापा मैं तो कनाडा जाना है, उसका माइंड सेट कर देता है, कहता ना मैं रब अगे प्रार्थना कीती आ। माँ कहती है मैं भी कीती आ, चल कोई नहीं बेटे ऑस्ट्रेलिया नहीं कनाडा चला जा। और कनाडा तो हुण देख रहे किन्ने बोरी बिस्तर लेके वापिस आ रहे ने। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। कह रहा आपको समझ में नहीं आ रहा, कह रहा है कि यहाँ पर उसने कहा फल फूल फैल जा, और उसी समय पढ़ने की बजाय उसके लड़कों ने क्या कर दिया, उसके लड़के आकर बोले, पढ़ेंगे 11:4 में देखो, फिर उन्होंने कहा हम एक नगर ऐसा बनाए, एक नगर, एक गुम्बद ऐसी बनाने, कह रहा है कि जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। अरे अपने माइंड को सेट कर लिया उन्होंने, परमेश्वर से भी बड़े हो गए। कहता है
आकाश से बातें करें, इस प्रकार से हम अपना नाम करें। किसका नाम करें? अपना नाम करें। किसका नाम करें? अपना नाम करें। ऐसा ना हो कि हमें सारी पृथ्वी में फैलना पड़े। इसका मतलब परमेश्वर के उलट चल रहे थे। परमेश्वर ने कहा नूह पृथ्वी तेरी है, फल फूल फैल जा, लेकिन उन्होंने अपने बाप का भी माइंड सेट कर दिया और परमेश्वर को क्या करना पड़ा, नीचे आकर। क्योंकि याद रखना परमेश्वर को भी मालूम है, इसलिए परमेश्वर ने कहा जो इन्होंने ठान लिया है, जो इन्होंने सोच लिया है, ये करके रहेंगे अब। इसका मतलब चाहे आप पाप के लिए ठान लो, चाहे आप पवित्रता के लिए ठान लो, जब आपके माइंड में कोई चीज सेट हो जाती है आप वो गुनाह करते हैं। करते हैं कि नहीं? जब आपके माइंड में कोई चीज सेट हो रही है, आज मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपने जो सोचा भी नहीं है, मैं कह रहा हूं कि आज परमेश्वर उसको हटाने के लिए, उसको माइंड से उनके हटाने के लिए खुद आया धरती पर, और जिस समय बोलता है उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दी, क्योंकि उसको पता था, कहता है इनके माइंड से निकाल नहीं सकता, इनकी भाषा में गड़बड़ी डालकर प्रॉब्लम्स को दूर करता हूं आज। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ में आया? कहता है कि आज बहुत सारे लोगों ने अपने माइंड में एक तस्वीर बना रखी है, आज क्या पता क्या बनेंगे हम, क्या होगा हमारा। आज आपने कौन सा फ्रेम चिपका रखा अपने दिमाग में कि पता नहीं मेरा भला होगा कि नहीं होगा, मैं थोड़े दिन में मर जाऊंगा, मेरा ये होगा, मेरा वो होगा, फलाना होगा। लेकिन उसी समय परमेश्वर ने आकर करे के भाषा चेंज कर दी। आज याद रखना मैं उन लोगों के लिए भविष्यवाणी करता हूं जिनके दिमाग में ये पिक्चर चल रही है, पता नहीं मैं आगे बढ़ूंगा कि नहीं बढ़ूंगा। पवित्र आत्मा ने कहा कि यह धरती तुम्हारी है, तुम्हें फलने फैलने के लिए फूलने के लिए रखा हुआ है। आज रात तुम्हारे घर में गवाहियां डबल आएंगी। अपने हाथों को उठाओ, अपनी पिक्चर को चेंज करो यीशु के नाम में। आमीन। आज बोलो कि जब मैं घुटने टेकूंगा परमेश्वर, उसके बाद अपने माइंड की पिक्चर को भी चेंज करूंगा, अपने फ्रेम को सेट करूंगा। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। मैं एक फोटो दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर और इस लेडी को दिखा रहा हूँ। ये बाय बर्थ क्रिश्चियन है, इसको कैंसर हो जाता है ब्रेस्ट का। देखो ये पिछले फ्राइडे की बात है मेरे चंडीगढ़ चर्च में, स्क्रीन पर दिखा जरा लाली। और इस बहन को, इसको ब्रेस्ट में कैंसर था, और जब मैंने इसके लिए ले हैंड प्रेयर किया, और ये उससे पहले ये कह रही थी, मेरे को मिल रही थी, इसने एक दो बार भी ले हैंड प्रेयर कराया, लेकिन उस दिन मैं मूड में था और मैं भविष्यवाणियां करता जा रहा था, और मैं गया और मैंने हाथ रखा इसके सिर पर, मैंने कहा जा आज के बाद तेरी रिपोर्टें नॉर्मल आए। और उसी समय इसने अपने माइंड को पहले सेट नहीं किया था, पहले इसके माइंड में चल रहा था पास्टर जी मैं ठीक हो जाऊंगी, पास्टर जी मैं बाय बर्थ क्रिश्चियन हूँ, मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी। देख रहे हैं आप, ज़्यादा दिन की नहीं है, मेरे प्यासों की भी फोटो है, आप देख रहे हैं ना, ये अभी ताज़ी फोटो है। और इसी समय इसकी स्क्रीन पर आप गवाही दिखा, इसकी फोटो दिखा, क्लियर फोटो, और उसमें लिखा है कि खुद गवाही दे रही है, इस बहन के ब्रेस्ट में कैंसर था, अपॉइंटमेंट लिया, ले एंड प्रे कराई, स्पेशल बीज भी आया, सारे काम करके देखे इसने, सारे काम। और आज इसकी रिपोर्ट जिस दिन मैंने हाथ रखा और उसको कहा जा अपने माइंड में ये बात सेट कर ले कि तू चंगी होगी है, और उसी समय इसकी रिपोर्टें बिल्कुल नॉर्मल होगी, बिल्कुल। हालेलुया। ये बाएं बद क्रिश्चियन है, गुरदासपुर की रहने वाली है, चंडीगढ़ में नौकरी करते हैं ये दोनों पति पत्नी, हो सकता है शायद हॉस्पिटल में हो, नर्स हो, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि साइंस फेल होगी, डॉक्टर फेल हो गए, लेकिन आज आपको ये बता रहा हूँ, आपको जिंदा जी गवाही दे रहा हूँ, ये मेरे ऊपर अभिषेक है। अगर आज आपने माइंड में सेट कर लिया है कि मैं प्रॉफिट बजिंदर के साथ जुड़कर आशीषित हो जाऊंगा, तो याद रखना तुम आशीषित हो और होते रहोगे। आमीन। इस आदमी ने क्या कहा, इस आदमी को परमेश्वर ने माइंड में सेट कैसे किया, इसका बच्चा मर गया जो आप भी गवाही दे रहा था, और इसने आकर क्या कहा, इसने कहा कि नहीं मुझे परमेश्वर ने दर्शन दिया है, मुझे बताया है, मैं सोयल को यूज करता हूँ और मैं पापा जी से प्रार्थना कराता हूँ। और उसी समय इसने अपने माइंड में सेट कर लिया था, मेरा मरा नहीं मेरा जिंदा है। हालेलुया। आज आपको विश्वास करना है कि विधवा औरत नाइन नगर में उसका बच्चा मर गया, और उसी समय लोगों ने कहा मर गया है, अर्थी लेकर जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में कुछ लोग मिले और उसी समय कह रहे कि तेरा लड़का मर गया है, वो बोली नहीं नहीं मेरा मरा नहीं मेरा जिंदा है, मेरा तो जिंदा है मेरा मरा नहीं। नाइन नगर की औरत चिल्ला चिल्ला कर कह रही है मेरा मरा नहीं है, अरे इसके अंदर, क्योंकि जानती है मैंने रो रो कर पहले से दुआएं की है, तो प्रार्थनाएं की है, ये घुटने टेकने वाली औरत है, प्रार्थना करने वाली औरत होगी, लेकिन करेगी दुआएं
नहीं करती होगी, लेकिन कह रही होगी, कह रही थी कि मेरा मरा नहीं है, मेरा तो जिंदा है। और उसी समय परमेश्वर ने नबी को भेज दिया अपने इकलौते पुत्र को, यीशु मसीह को, नाइन नगर में, और जाता है और बोलता है अर्थी नीचे रखो। वो निकलता है, डर के मारे उन्होंने नीचे रख, देखता है शायद कोई कलेक्टर आ गया गाँव में। उसने कहा कलेक्टर नहीं हूँ, कह रहा कि मैं पूरी कायनात को बनाने वाले का इकलौता पुत्र हूँ। हालेलुया। कह रहा कि मर गया है, इसकी रिपोर्ट ऐसी है। बोलता है अपने माइंड की पिक्चर सेट कर लो आज। कह रहा है कि आज, कह रहा है कि जो कायनात को पलट सकता है, कह रहा है इस बच्चे को भी, कह रहा है इस बिस्तर से उठाकर, अर्थी से उठाकर पलट सकता है। माइंड में आज फिट कर लो आज, जो काम असंभव है आपके लिए संभव होगा आज यीशु मसीह के नाम में। जो काम असंभव है संभव होगा आज यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है, लेकिन जब तक आप प्रार्थना पर घुटनों पर नहीं आएंगे, तब तक परमेश्वर काम नहीं करेगा आपके लिए। आपके लिए हम जब बाइबल के अंदर देखते हैं कि पहला शमूएल उसके 17:36 में कि दाऊद को पता लगता है कि इसराइली लोगों को मारने के लिए एक बहुत बड़ा कोलियत आ गया है, बहुत ऊंचा, बहुत तकड़ा, कोई नहीं उसके मुकाबले में। तो उसी समय इसराइली लोग डर के मारे भाग गए, छुप गए। लेकिन उस समय में दाऊद, छोटी उम्र का लड़का, शाऊल से क्या बात कर रहा है? शाऊल को कह रहा है, कहता उसने अपने माइंड में फिट कर लिया। शाऊल को कह रहा है, कहता मैं इसको मार गिराऊंगा। शाऊल कह रहा है, तू कैसे मार देगा? तेरे पास तलवार नहीं है, भाला नहीं है। आज मैं कह रहा हूं, मुसीबतें आपसे बड़ी हो सकती हैं, आपका कर्जा आपसे बड़ा हो सकता है, आपकी परिस्थितियां आपसे बड़ी हो सकती हैं, लेकिन अपने आप को हारने नहीं देना चर्च। मैं कह रहा हूं, अपने माइंड में आज सेट कर लो, अपने माइंड में फिट कर लो आज, आज फ्रेम बना लो, वो तस्वीर बना लो आज कि आप क्या बनने वाले हैं। इसने शाऊल ने क्या किया, देखो शाऊल ने क्या कहा, कहता अरे दाऊद कैसे करेगा? दाऊद ने पहले से बताया, उसको कहा तेरे को पता है मैंने शेर को ऐसे मार गिराया, मैंने भालू को ऐसे मार गिराया, तब भी परमेश्वर मेरे साथ था। कहता मैं इसको भी मार गिराऊंगा। कहता तू इसको कैसे गिराएगा? कहता वो मेरे माइंड में पहले से सेट है, तुझे नहीं बताऊंगा। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? वो वहां पर जाकर उसने क्या किया, देखो पहले से दूर से ललकार दिया उसने। उसने कहा मैं तलवार करा तेरे गोलियत ऐसे मारूंगा, तेरी धड़ को अलग कर दूंगा तलवार से। उसने कहा रे तेरे हाथ में तो डंडा नहीं, तलवार नहीं है, तू मारेगा? उसने कहा मैं पहले से सेट करके लाया हूं दिमाग में कैसे मारूंगा तुझे, फ्रेम बना कर आया हूं। हालेलुया। विश्वास का फ्रेम है मेरे अंदर, करा मेरे अंदर वो जज्बात का फ्रेम है, मेरे अंदर वो फ्रेम है कि मेरे पीछे करे भाले तलवार नहीं, मेरे पीछे यहोवा जोरावर का हाथ है मेरे ऊपर, मेरे पीछे यहोवा जोरावर का हाथ है। माइंड सेट था उसका, उसने फ्रेम बनाया था। कह रहा वो कर्जे, वो परिस्थितियां, वो लानते, वो शर्मिंदगियां आपकी जब तक खत्म नहीं हो सकती, जब तक आप अपने माइंड को सेट ना करें, अपने माइंड में फ्रेम ना बनाए। आज रात बना लो फ्रेम, मेरे पीछे कौन है, कौन है? दादी अम्मा है, चाचा है, बाप है, मेरा नाना है? नहीं। आज अगर यहोवा चोरावर है आपके पीछे, याद रखना उसके स्वर्गदूत खड़े हैं आपके पीछे। मैं बोलता हूं हर बार जब मैं चलता हूं, मेरे साथ सात स्वर्गदूत चलते हैं, मुझे मालूम है, मुझे दर्शन दिखाया प्रभु ने। बोला हालेलुया। हर परिस्थितियों से निकालता है परमेश्वर। उसी समय क्या हुआ कि दाऊद ने दूर से कहा शाऊल को, गोलियत को, बोलता है कह रहा गोलियत मैं तुझे आज मार गिराऊंगा और तलवार से मारूंगा तुझे। उसने कहा तलवार तेरे हाथ में नहीं, कह रहा कुत्ता समझा है क्या, कुत्ता लग रहा हूं तेरे को मैं? उसने कहा आज कुछ भी कर ले, कह रहा तू भाले से आया है, लेकिन कह रहा आज मैं यहोवा जोरावर के नाम से आया हूं। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वो पहले प्रार्थना करने वाला योद्धा था, उसने उस दिन प्रार्थना नहीं किया, घुटने टेकने वाला योद्धा था। और उसने उस जाकर क्या किया, उसने पत्थर उठाया था उसके सिर पे मारा और वो गिर गया, उसी की तलवार ली और गर्दन से काट दिया उसका, धड़ अलग कर दिया, क्योंकि वो पहले से फ्रेम सेट करके रखा था उसने, मैं इस पत्थर से मारूंगा और गिरा दूंगा। याद रखना, पहले से सेट करके रखना, पहले से फ्रेम बनाकर रखना, विश्वास का फ्रेम। कह रहा है कि आज परमेश्वर कह रहा है मेरी ओर से लड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं जाऊंगा आज जॉब लेकर आऊंगा, मैं जाऊंगा आज वीजा मेरे पासपोर्ट पर लगेगा, मैं जाऊंगा आज परिस्थितियां बदलेंगी, आज मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा अपनी रिपोर्ट दिखाऊंगा, चेंज हो जाएगी आज। अपने पड़ोसी को बोलो अपना फ्रेम चेंज कर, अपने माइंड का फ्रेम चेंज कर, बच्चा नहीं हो सकता तुझे। आपने कितने कितने छोटे बच्चे को देखा, किसी ने छोटे बच्चे को देखा, किसी ने छोटा बच्चा कैसे करता है? कोई आएगा कि मैं बनू, चलो मैं बन जाता हूं। मैं एक लड़के को देख रहा था ऐसे, जब भी मैं उसको गांव में देखता, उस समय प्रभु में नहीं था, प्रभु में नहीं था मैं उस समय। हाँ हाँ,
तो बच्चा मेरे साथ, मैं भी बच्चा हूँ, ये भी बच्चा, दोनों हम क्या करेंगे भी? देखो सुनो, हमने अपने माइंड में पहले से सेट कर रखा है, फ्रेम बनाया हुआ है, चल भाई गाड़ी कार चलाएंगे। देखा आपने बच्चे को? मैं छोटे बच्चे को देख रहा था, बच्चा कैसे करता है, करा वो क्या कर रहा था, मैं कोटे से देख रहा, क्योंकि उस समय तो मैं भी थोड़ा, मैं बड़ा था वो छोटा था, ऊपर से देख रहा था, तो क्या कर रहा है, गांव में ऐसे खेल रहा है, कर रहा कर, मैं क्या कर रहा है, मैं कहो क्या कर रहा है, कहता गड्डी चला रहे हैं, और भाई साहब गियर भी लगा रहा, कहता पहला गियर, मैं कह एक ही थोड़े दिन में देखा मैंने, करनाल के अंदर ट्रकों का ट्रांसपोर्ट का मालिक बन गया छोटी सी उम्र में। हालेलुया। कैसे बन गया वो, कैसे बन गया बे, कैसे बनेगा ये बच्चा मालिक? क्योंकि इसने अपने माइंड में पहले से विश्वास का फ्रेम सेट कर लिया आज। हालेलुया। मैं कुछ नहीं, बहुत कुछ कर सकता हूं। अगर आपको सेट नहीं होता वैसे करने जो कुछ तो करो कुछ तो करो, बोला गियर लगा दो, गाड़ी गवाहियों की स्पीड पकड़ेगी आज। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आपको बताता हूं, मैं खुद एलिया, एलिया क्या करता था, 12 गोत्र के पत्थर लेकर उसने करा के 12 इजराइल के लोगों को, मैं कह रहा हूं कि 12 इजराइल के गोत्र के लोगों को आशीष दिलाया, पत्थर लेकर बैठ जाता था। मेरे पास जब चर्च नहीं था, मैं पास्टर बनना चाहता था, जेल में था, जेल में मैंने उद्धार पा लिया था, और उसी समय मैंने क्या करा, मेरी खड्डी जो थी जहाँ में मुझे सोने को मिलता था, मैं वहाँ पर टमाटर प्याज मूली छील के रख लेता था ऐसे, और एक तागा, छोटा सा आलू, गंठे जो जो थे, मटर, सारी चीज़ें, सब्जियाँ अलग अलग ऐसे दूर दूर, और मटर छील के ऐसे रखता था, एक इतनी दूर बैठेगा, एक यहाँ बैठेगा, एक यहाँ बैठेगा, एक यहाँ बैठेगा, एक यहाँ बैठेगा, मैंने 100 मटर छीले, उनमें से कितने दाने निकले होंगे, और सारे के दाने ऐसे ऐसे करके, मैंने कहा ये मेरी कलीसिया है, मैं तुम्हें सुसमाचार सुना रहा हूँ, ब्लेस हो जाओ। और आज देखो आपके सामने है। हालेलुया। कितने सारे मटर आए मेरे पास, कितने सारे टमाटर आए मेरे पास, मैंने फ्रेम बनाया है विश्वास का। आमीन। आपका फ्रेम विश्वास का होगा। आज रात मैं कह रहा हूँ कि तुम सबसे पहले नंबर वन होंगे। गवाहियां स्पीड से आएंगी चर्च। विश्वास करना, आपकी बीमारी के सूखे दिन खत्म हो जाएंगे। लेकिन आपको करा, मैं फिर कह रहा हूँ, करा हारेगा वो, बुद्धिमान भी हारेगा, धनवान भी हारेगा, पैसे वाला भी हारेगा, ताकतवर भी हारेगा, लेकिन एक मसीह घुटन पर आने वाला हारेगा नहीं, जीत कर जाएगा। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि मैं जीतने के लिए बुलाया गया हूँ आज, जीतने के लिए बुलाया, मैं जीतने के लिए बुलाया गया आज। आज मेरे साथ अंगीकार की प्रार्थना करेंगे, आज बोलो मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, मैं आशीष में रहूंगा, आशीष में रहूंगा। परमेश्वर, मैं हाथ उठाने वालों के लिए प्रार्थना करता हूँ, जैसे यूसुफ ने पवित्र आत्मा जी अपने घुटनों को निर्बल नहीं किया, घुटनों को सच में थकने नहीं दिया, हाथों को थकने नहीं दिया, और प्रार्थना करता रहा, उसने सच में परमेश्वर अपनी मजबूरियां नहीं बताई, यूसुफ ने अपनी लाइफ में किसी चुनौतियों से डरा नहीं, उसने अपने आप को पाप में गिराने की बजाय परमेश्वर तेरी ओर ध्यान लगा कर रखा, उसने अपना माइंड, रानी ने आकर उसका माइंड अपसेट किया, लेकिन उसने अपने माइंड में फ्रेम सजा रखा था कि मैं यीशु से मिलूंगा, मैं परमेश्वर की भक्ति करूंगा, एक दिन वो मुझे आशीष देगा। परमेश्वर, अगर ये आज सब के जम, सब जितने मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, जो ब्रांचों से देख रहे हैं, अगर ये आज माइंड में फ्रेम बना ले कि मैं 3 टाइम प्रार्थना करूंगा, मैं तेरी महिमा करूंगा, परमेश्वर आज रात पवित्र आत्मा जी, आज जैसे फिरौन ने कॉल लगाकर कहा, मुझे तो बेस्ट आत्मा वाला व्यक्ति चाहिए, मेरे पिता यूसुफ के अंदर बेस्ट आत्मा आया, प्रार्थना करने वालों के अंदर आज बेस्ट आत्मा आ जाए, मेरे पिता के अंदर बेस्ट आशीष आ जाए, बेस्ट ब्लेसिंग आ जाए, सबसे देश की सबसे उत्तम उत्तम चीजों को खाने पाए। मैं आशीर्वाद देता हूँ प्रार्थना करने वालों को, ये ब्लेस हो जाए, इनके रास्ते खुल जाए, इनके बंधन टूट जाए, कर्जे के दिन खत्म हो जाए, बीमारियां इनके शरीर में से खत्म हो जाए, चंगाई आने पाए, रिलीज, इनके घर में शांति आने पाए, परमेश्वर वो शांति के दूत आज पहुंचाए जाए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। बोलो आमीन। आमीन। रखना ये भविष्यवाणी है, सिर्फ 3 महीने के अंदर नहीं, 52 दिन के अंदर आपको कॉल आएंगी, जो पर रखेंगे लोग आपको, आमीन। बड़ी बड़ी फैक्ट्री का मालिक बनाएंगे, आमीन। जॉब आएंगी आपको, लोन लोन के लिए बुलाया जाएगा, आमीन। आपको हर चीज के लिए बुलाया जाएगा, आमीन। फौरन से कॉल आएगी, जो विदेशों में जॉब नहीं है कॉल आएगी,
बड़े बड़े बिजनेस में करोगे आप आशीष को देखोगे, क्योंकि आपने जो सपने सिजोए अपने फ्रेम बना कर रखो विश्वास के, क्योंकि मेरा खुदा आपको सपनों के महल में ले जाने वाला है। आमीन बोलने वाले आज तैयार हो जाओ, अपने हाथों को उठाओ और क्लेम करना स्टार्ट करो मेरे साथ। एक अंगीकार की प्रार्थना करो आज, हाथों को उठाओ और मेरे साथ प्रार्थना करो आज, बोलो कि फेलियर मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, फेलियर मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, कोई दुख मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, कोई दुख मेरी, कोई बीमारी मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, कोई बीमारी मेरी जिंदगी, कोई कर्जा, कोई निराशा, कर्जा कोई निराशा, चिंता स्ट्रगल डिप्रेशन नाकामयाबी असफलताएं मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, जिंदगी का हिस्सा नहीं है, मैं पूंछ नहीं सिर ठहरूंगा, मैं जय पाऊंगा, मैं बड़ा सोचना स्टार्ट करूंगा, मेरे ऊपर महान आशीषें उतरेंगी आज, मेरे ऊपर महान आशीष, मैं कुछ नहीं बहुत कुछ करूंगा, मेरे हालात बदलेंगे, मेरा टाइम चेंज होगा, मेरे बच्चे ब्लेस होंगे, मैं आशीषित हो चुका हूँ, मेरा हार्ट, मेरा लीवर, मेरी किडनियां, मेरी फैमिली, मेरी हर आशीष खुलेगी आज, खुलेगी आज यीशु के नाम में, यीशु के नाम मैं तरक्की करूंगा, तरक्की करूंगा, मैं आशीष में बदलूंगा, आशीष में यीशु के नाम में, यीशु के नाम, बोलो आमीन, आमीन। जितने लोगों ने कहा है अपने पड़ोसी को बोलो अपने माइंड का सेट चेंज कर, बोलो अपने माइंड का फ्रेम चेंज कर ले, तेरी बरकतें खुलने वाली आज, आमीन। आज पड़ोसी को ये नहीं कहना पैरी पहना, आज पड़ोसी ने कहना गोटे पहना, घर जाके गोटे पहना आज, और सुन रहे हो कि नहीं? Yes. पैरी नहीं पहना, कितने लोग पैरी नहीं पहेंगे आज, गोटे पहेंगे कि नहीं? आपकी दादी सोचेगी, माँ सोचेगी आज गोटे भीजने आ गया। याद रखना आप जब घुटनों पर बैठेंगे आपकी दादी माँ के घुटने चंगे हो जाएंगे ईश्वर के नाम में। Amen. आप करेंगे, आपसे होगा सब कुछ। Amen. आप वो महान पुरुष हैं, आपके ऊपर वो ताकत आई हुई है। आइए हम सब इस समय परमेश्वर का धन्यवाद करें और इसी समय जोर से तारीफ करें यीशु मसीह का। वगे देसा गे बलि दिया गे जो ओ बचाण दी ताकत रखदा है, वगे देसा गे बलि दिया गे जो ओ बचाण दी ताकत मेरा परमेश्वर इस गीत में आपको बचाएगा, परमेश्वर से बचाएगा, बीमारियों से बचाएगा, परमेश्वर मेरा परमेश्वर आपको बचाएगा, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा। उठ तू चट्टान वांगो बन जस स्थिर तेरे नाल, उठ तू चट्टान वांगो बन जस स्थिर तेरे नाल, कच्चियां दीवारां वांगो एवें ना तू गिरी तेरे नाल, हाथ हाथ जोड़ रहे परमेश्वर के सामने, परमेश्वर प्यारा, गवाहियां बनेंगी आज, परमेश्वर मेरा, गवाहियां बनेंगी आज, स्पीड स्पीड पकड़ोगे आज, सब कहो मुक गई मुक गई मुक गई, अंधेरे आंधी रात मुक गई, मुक गई मुक गई, अंधेरे आंधी रात मुक गई, मुक गई मुक गई मुक गई, अंधेरे आंधी रात मुक गई, मुक गई मुक गई मुक गई, रात मुक गई, मुक गई मुक गई मुक गई, रात मुक गई, मुक गई मुक गई मुक गई, रात मुक गई, मुक गई मुक गई मुक गई, तेरे आधी रात मुक गई, मुक गई मुक गई मुक गई, तेरे आधी रात मुक गई, आनंद कर रहे हैं आज, चाहो दीवाना में लहू लाल मारिया, पूजा हो या दीवाना ने लहू लाल मारिया, पूछे भी ना लग बच पई अंधेरे आधी रात मुक गई, पूछे भी ना लग बच पई अंधेरे आधी रात मुक गई, पूछे भी ना लग बच पई अंधेरे आधी रात मुक गई, पूछे भी ना लग
बच पई अंधेरे अंधी रात मुक गई अंधेरे अंधी रात मुक गई बोलो मेरा परमेश्वर मुक गई मुक गई मुक गई अंधेरे अंधी रात मुक गई मुक गई मुक गई मुक गई अंधेरे अंधी रात मुक गई मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर प्यारा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर प्यारा मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर प्यारा साथ बल दिया खिचो वो बचाने की ताकत रखता है मुखे सागे बल दिया खिचो वो बचाने की ताकत रखता है मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर और इसी समय आप यहीं पर खड़े खड़े देखो परमेश्वर की आशीष को देखेंगे तब इसी समय बहुत सारे लोग चंगे होंगे बहुत सारे लोग ब्लेसिंग को देखेंगे मैं देख रहा हूं यहां पर कोई गूंगा बहरा है सिर्फ गूंगे बहरा कोई गूंगा बहरा उसे साइड में कर जा रहा हां शाबाश आज अपने सिर पर रुमाल लगाना भी अबलाबा शबलाबा बलाबा शबलाबा कैमरे के सामने से हटो शाबाश इधर हो जाओ बस 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 और इसी समय प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा जो लोग इस समय परमेश्वर रुमाल घुमा रहे हैं पवित्र आत्मा इनकी ब्लेसिंग खुलने पाया आज ब्लेसिंग आने पाया अरे काशीश उतरने पाए बंधन टूटने पाए और सच में पवित्र आत्मा जी जो लोग आज समय रुमाल घुमा रहे हैं पवित्र आत्मा तेरा अभिषेक वाले स्वर्ग दूत रुमाल पकड़ने वाले स्वर दूत उस चंगाई को छोड़ने वाले स्वर दूत उन्हें मैं रिलीज करता हूँ आज यीशु के नाम में इनके काम बनाने वाले स्वर दूत इसी समय जॉब देने वाले कोर्ट के जिताने वाले बीमारियों से चंगा हटाने वाले चंगाई देने वाले आज इनके हाथों पर ट्रांसफर करके जाए अभिषेक को इसी समय उठे जाओ 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 उ
विच उठ यीशु नाम विच उठ जा उठ विच नाम विच नाम विच नाम विच नाम विच नाम विच नाम विच बंधन टूट गया नाम विच नाम विच नाम विच हो जाए नाम विच नाम विच चंगे हो जाए नाम विच 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 यीशु नाम विच नाम विच नाम विच नाम विच नाम विच यीशु 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 नाम विच नाम विच नाम विच नाम यीशु नाम विच नाम विच नाम यीशु नाम विच नाम विच नाम विच अपने हाथों को उठाओ पत्रियां बाहर जो हाथ हिला रहे हैं चंगाई की घोषणा करो आज डांटो शैतान को बोलो निकल बाहर आज निकल बाहर आज उन बीमारियों को आदेश दो निकल जाओ बाहर आंखों की रोशनी आए अंधापन जाए गुंगा पन जाए लंगड़ा पन जाए प्यारा पन जाए यूरिक एसिड जाए थायराइड जाए इसी समय आजाद हो जाओ आजाद हो जाओ इसी समय टांगों का दर्द जाए घुटने का दर्द जाए जिस हिस्से में आप कमजोर हैं आजाद हो जाओ यीशु के नाम में हर प्रकार की दुष्ट आत्मा चल जाए आज चल जाए आज जादू टोना चले आज मिराकल होना स्टार्ट हो आज आपकी लाइफ में जितने आमीन बोल रहे हैं आज कर्जे के शराब टूट जाए आज मैं कह रहा हूँ जो आज सफल है आज से सफल हो जाए जो नहीं कर पा रहे आज से करने पाओगे मैं कह रहा हूँ जितने इस गीत को गाया है जिसने उन्होंने हाथ उठाया है जो काम आप नहीं कर सकते वो करके देखो जो हमारी ब्रांचों में भी खड़े हैं जो नहीं कर सकते वो करके देखो हालेलुया प्रॉफिट जी आप प्रोफेसी कर रहे थे हाँ यस प्रॉफिट जी आप प्रोफेसी कर रहे थे कि कोई भाई है यहाँ ये बता रहे हैं इनका बच्चा बचपन से टोटली गूंगा और बहरा है डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि कभी सुनेगा नहीं कभी बोलेगा नहीं हालेलुया कहाँ से आए बेटे आप कहाँ से हो हम आए हैं सर बिहार से अररिया जिला से बिहार से ये कब से बचपन से ऐसा है बचपन से आज विश्वास कर परमेश्वर चमत्कार करेगा आमीन बचपन से गूंगा बहरा है आज विश्वास कर बस आज क्या करना है बेटे विश्वास करना है कि नहीं विश्वास करना तुमको विश्वास है हाँ कि ना हाँ देखो मैं कह रहा हूँ यहीं से वो सामर्थ उतरे मैं हाथ कर रहा हूँ क्या फ्रेम बना रहे हैं कि नहीं माइंड में yes. अंधे आते हैं आंखें पाते हैं अंधे आते हैं आंखें पाते हैं रोगी रोगों से पाते आराम यीशु मसीह के नाम से देखो कैसे अजब हुए काम देखो कैसे अजब हुए काम देखो सुनते हैं अंधे देखते हैं बेरे सुनते हैं अंधे देखते हैं यीशु मसीह के नाम से देखो कैसे अजब हुए काम हालेलुया सुनो इसी समय ऑयल डाल दे इसके मुंह में अबलबा शबलबा बलबा शबलबा राजा रबा सना यो मारे दे 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 इसी समय मेरे हाथ को दिखा स्क्रीन पर और इसी समय प्रभु का आत्मा इसको छुए और इसी समय वो अनॉइंटिंग इसको छुए पवित्र आत्मा जी ये सच में परमेश्वर भाई ये बच्चा हीलिंग देखने पाए यीशु मसीह के नाम में जितने लोग खड़े हैं अभी पांच पांच मिनट में देखोगे आप जो काम आप नहीं कर सकते वो करके देखना अभी आपकी गवाहियों की लाइन लगी होगी अभी परमेश्वर मिराकल करेगा आपके साथ अभी आमीन फिर से कहो अंधे आते हैं आंखें पाते हैं अंधे आते हैं आंखें पाते हैं रोगी रोगों से पाते हैं यीशु मसीह
प्रभु का आत्मा छुए यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह के नाम में इसी समय प्रभु का आत्मा छुए। उंगली कर बड़ा मामा हालेलुया। इसको उतार दे। मशीन ने उतार कर भी आप देखना सुनते हैं कि नहीं। पापा पापा मामा हालेलुया। मामा हालेलुया। पापा मामा हालेलुया। सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। बच्चा उधर नहीं देख रहा, मेरी तरफ नहीं देख रहा, फिर भी वो बोल रहा पापा 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 हालेलुया। हालेलुया। पापा पापा हालेलुया। पापा पापा जोर से बोल पापा। दीदी बोल पापा। पापा पापा हालेलुया। जला यस जला के पास आएंगे फटाफट अपने हाथों को उठाओ शाबाश अपने स्थान पर खड़े रहो आगे आ जाओ शाबाश वो बोले पिछले 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 तुमने अपने हाथों को उठाओ शाबाश और इसी समय देखो भी वो ब्लैक मैजिक खत्म हो रहा है यीशु मसीह के नाम में जिसके हाथों पैरों में तकलीफ थी अभी वो आजाद हो रहा है और इसी समय ले हैंड वाले इधर लाइन लगाएंगे बाद में अभी इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है लेकिन हा 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 नेक्स्ट 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 गवाहियों के साथ मैं कह रहा हूं कि इसी समय स्टेज के पास गवाहियों के साथ परमेश्वर का आत्मा छुए और इसी समय कैमरा नीचे रख नीचे रख नीचे गवाहियों के साथ अपने हाथों को उठाऊं शाबाश अभी जिस जिसको चंगाई मिली है जो काम नहीं कर सकते वो करके देखो मैं फिर कह रहा हूं जो काम नहीं कर सकते वो करके देखो परमेश्वर का आत्मा छू रहा है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाऊं और इसी समय छूट जाऊं गेट खोलना भी किसको दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम हो रही आने देना हर एक अंधकार की गंदी आत्माएं बाहर आ जाए चलो चीखो चिल्लाओ और निकल जाओ बाहर 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 आने दे हर एक गंदी स्पिरिट बाहर आ जाओ 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 तोड़ थवे निकल आओ निकल आओ निकल आओ निकल आओ निकल आओ निकल आओ ए जादू टोने की स्पिरिट कैमरा नीचे दिखा शाबाश एक जगह रख बाहर आओ गाँव फिर से गाँव फिर से गाँव फिर से गाँव जोर से तारीफ करो जोर से जला अके पाके रोदी यसु तू लगा कैमरा दिखा लाली निकल आओ इसी समय निकल आओ निकल आओ निकल आओ निकल आओ छोट का छोट छोट का छोट छोट का छोट छोट का अगे भाकर दियसु तू लगा दे मसा साडे पेड़ा बहा दे अगे भाकर दियसु तू लगा दे मसा साडे पेड़ा बहा दे अगे भाकर दियसु तू लगा दे अगे भाकर दियसु अगे भाकर दियसु अगे भाकर अगवा के रूदी अगवा के
जटो मंदिर दे बागरू दी आजे असी जटो आगे बागरू दी आजे असी जटो मंदिर दे बागरू दी आजे असी जटो मंदिर दे दिया दादू के राम सादे मसा साडे उते अपना फटाफट लेहन वाले लाइन लगाओ ढंग से लाइन लगाना लेहन की फटाफट बाहर निकालो लेहन वालों को पीले रिसेप्शन वाले लेहन वाले लाइन लगाओ सुन नहीं रहा लेहन वाले लाइन लगा दे अपने हाथों को उठाओ शाबाश निकलो गंदी स्पीड इसी समय चलो अपने हाथों को उठाओ शाबाश और आजाद हो जाओ जो अपने हाथों को उठा रहे मैं कराऊं चर्च जो इस समय अपने हाथों को उठा रहे हैं आजाद हो रहे हैं आज इसी समय इनके हाथ के ऊपर से हर एक जादू टोना बाहर 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 परमेश्वर आज से इनके हाथ के काम सफल हो जाए आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में फेवर कर परमेश्वर इनका फ्री हो जाए यीशु मसीह के नाम में इसी समय आमीन कमाईयों के साथ जल्दी 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 कमाईयों के साथ हाँ हाँ कमाईयों के साथ फटाफट हालेलुया प्रॉफिट जिस बैंड को 25 साल से सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी अभी अभी रुमाल घुमाया चेक किया आजाद हो चुके हैं रे हाई जने दिती है यीशु दा नाम रे हाई जने दिती है यीशु दा नाम रे सुनो बेटे गर्दन घुमा के देख किसकी गर्दन घुमा लड़की गर्दन घुमा देखो सर्वाइकल सर्वाइकल इज गॉन जोर से बोलो हालेलुया हालेलुया नेक्स्ट नेक्स्ट गवाही के साथ